जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, मेरा आज का जो वीडियो है इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS की, आप लोग जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकली हुई थी जिसके लिए 2/5/2022 से 5/6/2022 तक आप लोग के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई हुए थे। पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी, तो यदि आप लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो पूरी जानकारी आप लोग के पास होगी। इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS 2022 रिक्रूटमेंट आप लोग की ऑल ओवर इंडिया से आप लोग बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप लोग के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, अभी आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई फिनिश हुए हैं 5 जून 2022 को और आप लोग के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। असम एंड उत्तराखंड सर्कल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, असम और उत्तराखंड के स्टूडेंट के जो है शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट यहाँ पे दी जा चुकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया गया। तो पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो मिलने वाले, वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस की ये वेबसाइट है। तो आप लोग को जैसे ही लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आएंगे, GDS रिक्रूट रिजल्ट की डिटेल आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई हुए थे और रिजल्ट की जानकारी आप लोगों को, सैलरी वगैरह पूरी डिटेल आप लोगों को 15 जून 2022 को यहाँ पे रिजल्ट को अपडेट किया गया। असम और उत्तराखंड का रिजल्ट अभी यहाँ पे आ चुका है, बाकी सभी स्टेटों के रिजल्ट आप लोग को देख मिलेंगे। तो पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे क्या क्या प्रोसेस आप लोग का होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे 10th पास आप लोगों से मांगा गया था। साइकिलिंग स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाने की जानकारी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज आप लोगों ने अप्लाई किया है, जो भी आप लोगों ने प्रिफरेंस दिया है लोकल लैंग्वेज की आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। 2 से 5 जून तक यहाँ पे आप लोग के अप्लाई हुए थे। BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर को 12,000 रुपये और APM डाक सेवक को आप लोग को 10,000 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। फीस वगैरह आप लोग ने अप्लाई, वैकेंसी की पूरी जानकारी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। किस सर्कल में आप लोग देखेंगे कितनी वैकेंसी, यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। आप लोग देखेंगे आप लोग के सर्कल में कितनी वैकेंसी थी। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे आप लोग जो है क्लिक हियर पे क्लिक करके रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। असम का रिजल्ट अभी आया है तो इसे अपडेट कर दिया गया, उत्तराखंड का रिजल्ट आ चुका है तो इसे भी अपडेट कर दिया, क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा सभी का जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे आप लोग को यहाँ पे अप टू डेट करता रहूँगा, तो आप लोग जो है वेबसाइट पे विजिट करते रहेंगे। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, इसके अलावा आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जी हाँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके जाने, इसकी डिटेल भी मैंने आप लोग को दे दी है। जो भी आप लोग ओरिजिनल आल ओरिजिनल और एक एक फोटो कॉपी आप लोग लेके जाएंगे, इसमें आप लोग का जो है ID प्रूफ ले लेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों ने सबमिट किया था, 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट आप लोग ले लेंगे क्योंकि 10th के बेस पर ही आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा आप लोग का जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप लोगों ने SC ST OBC से भरा है तो आप लोग उसको, वो भी आप लोग को रखना पड़ेगा, ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी। इसी के अलावा आप यदि आप लोगों ने EWS से आते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आप लोग को रखना पड़ेगा, डोमिसाइल या फिर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप लोग को रखना पड़ेगा। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आप लोग उसका सर्टिफिकेट आप लोग को रखना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोग यहाँ पे रख लेंगे। चलिए, इसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो आप लोग को यहाँ पे सभी लिंक मिल जाएंगे, रिजल्ट आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन की जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग रिजल्ट पे क्लिक करते हैं अपने स्टेट की रिजल्ट पर, जिस पर भी क्लिक करेंगे, यदि आप लोग उत्तराखंड वाले रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे उत्तराखंड की ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग का जो है असम का जो रिजल्ट है, जो भी शॉर्टलिस्ट किए गए बच्चे उनका रिजल्ट यहाँ पे शो कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे रीड कीजिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली। या फिर आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे आ करके, वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग देखेंगे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए जिस भी राज्य से आप लोग की, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अभी असम और उत्तराखंड की यहाँ पे आ रही है तो इनकी लिस्ट यहाँ पे आई हुई है, बाकी सभी की लिस्ट आप लोग को जो है 1 by 1 यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग की लिस्ट आई है उत्तराखंड की, उत्तराखंड वाले बच्चे यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड करके, आप लोग देखेंगे लिस्ट में आप लोगों का नाम है या नहीं है, जिस किस डिवीजन से आप लोग का है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम आप लोग देखेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं। ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते थे। कम्युनिटी आप लोग की क्या है, SC ST OBC EWS और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जो आप लोग का होने वाला है आप लोग देखेंगे, ये आप लोग का सेंटर दिया गया। ठीक है, साफ साफ लिखा है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन बाय रिस्पेक्टेड डिविजनल हेड ऑफ कंसर्न विद CTS ऑनलाइन एंगेजमेंट कलर उत्तराखंड क्लरिकल। तो लिस्ट कैंडिडेट शुड बी गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर, तो 3/6/2022 से पहले आप लोग जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। जो भी आप लोग को डिविजनल यहां पे दिया गया है आप लोग को वहां पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, और अलॉन्ग विद रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ओरिजिनल आप लोग सभी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, इसके अलावा एक एक फोटो कॉपी आप लोग रख लेंगे। इसके अलावा मैं आप लोग क्लियर कर दूँ, आप लोग का जो है मैसेज वगैरह भी यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम चेक करेंगे कि किस डिवीजन से आप लोग किस किस कहाँ से हैं कैसे, ठीक है, सारी डिटेल आप लोग को मिल जाएगी। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे
कैंडिडेट को नोटिफिकेशन में कुछ डिटेल दी गई, नोटिफिकेशन पैरा 21 में आप लोग को बताने वाला हूँ। इसके अलावा इन्होंने क्लियर किया है SMS ईमेल के द्वारा आप लोग को जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई के समय दिया होगा आप लोग को मैसेज मेल वगैरह आएगा, और यदि नहीं आता है तो इसके लिए डिपार्टमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो आप लोग अपना नाम चेक कीजिए और जो आप लोग का डिवीज़न जो भी आप लोग का ऑफिस है वहाँ पे आप लोग जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जानकारी वहाँ पे आप लोग ले सकते हैं जैसा कि यहाँ पे देखा गया। ठीक है, यदि आप लोग का नाम है मुझे बताइए, मैं आप लोग को जानकारी देता रहूँगा। और इसके अलावा आप लोग को मैसेज आने वाला है। ये इसी प्रकार से आप लोग का असम सर्कल का भी यहाँ पे आ गया, आप लोग देखेंगे डिवीज़न आप लोग का कौन सा है और आप लोग को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है वो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे सर। ठीक है, आप लोग नाम देखिए जिस डिवीज़न से आप लोग हैं, पूरी डिटेल आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी की डिटेल यहाँ पे वही चीज़ दी गई। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि पैरा 23 में आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो पैरा 23 आप लोग देखेंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन का भी लिंक मैंने आप लोग को नीचे दिया है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज आप लोग का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को पूरे नोटिफिकेशन की डिटेल दी गई है। 38,926 आप लोग की टोटल वैकेंसी थी 2/5/2022 से 5/6/2022 तक आप लोग ने अप्लाई किया था, सैलरी आप लोग को बता दी गई। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है पैरा 18 से 40 साल आप लोग की एज, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल का बेनिफिट था। तो 21 पैरा नंबर 21 में इन्होंने बताया है, 21 में आप लोग को आना है, 21 में आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल दिए। ठीक है, जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं आप लोग यहाँ पे देखेंगे पैरा 21 में सेलेक्शन क्राइटेरिया आप लोग को दिया है, कम्युनिकेशन ऑफ सेलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे पैरा 3 प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है और अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ फोटोकॉपीज, एक फोटोकॉपी आप लोग जरूर करा लेंगे जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है। और सेलेक्टेड रिपोर्ट करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली आप लोग का हो जाता है तो आप लोग जो प्रोविजनली इंगेज्ड ऑर्डर वगैरह आप लोग को मिल जाएगा जो भी आप लोग को नेक्स्ट कैंडिडेट, और यदि नहीं तो आप लोग को जो नेक्स्ट कैंडिडेट को यहाँ पे जो मेरिट में है उन्हें यहाँ पे बुलाया जाएगा, SMS वगैरह मेल वगैरह किया जाएगा, यानी कि आप लोग को मैसेज मेल वगैरह यहाँ पे आएगा। नहीं आता है तो आप लोग जो है जो भी आप लोगों का कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप लोग संपर्क कर लेंगे, सारा जो है नोटिफिकेशन में मीन्स एडमिट कार्ड में आप लोग जो आप लोग का रिजल्ट है इसमें यहाँ पे दिया गया। और इसके अलावा बताया गया है SMS से रिलेटेड ही जानकारी आप लोग को दी गई, आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोग को लगती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है, वेबसाइट पर आप लोग डॉक्यूमेंट देख लेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पे लगने वाले, सभी ओरिजिनल और एक एक फोटोकॉपी आप लोग जरूर रख लेंगे। तो असम और उत्तराखंड के स्टूडेंट्स का अभी यहाँ पे आप लोग का रिजल्ट आया, बाकी सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। तो यदि चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही आप लोग का भी रिजल्ट आए तो मैं आप रिजल्ट आते ही उसे अपडेट कर दूँ और आप लोग को पूरी जानकारी यहाँ पे लग जाए। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।